सीरियल तारक मेहता में नजर आने वाले डॉक्टर हाथी का निधन हाल में हुआ है। हाथी भाई के बारे में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। हैवीवेट एक्टर कवि कुमार आजाद अब इस दुनिया में नहीं है। इस अभिनेता की जिंदगी के कई पन्ने अब लगातार खुलते जा रहे हैं। अब खबर सामने आई है कि उनके अस्पताल के बिल अभिनेता सलमान खान ने भरे थे। डॉक्टर हाथी का रोल प्ले करने वाले आजाद का 9 जुलाई को निधन हुआ था, जिसके बाद 10 जुलाई को ही उनका मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया है। उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। अब उनसे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। एक लीडिंग रिपोर्ट की माने तो कवि कुमार आजाद जिस हॉस्पिटल में थे, उस हॉस्पिटल का बिल किसी और ने नहीं बल्कि सलमान खान ने भरा है। ये बात 8 साल पुरानी है, जब वे वजन कम करने की सर्जरी करवा रहे थे। 2010 में कवि कुमार आजाद ने करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्जरी डॉक्टर मुफी ने लोखंडवाला में की थी। इसके बाद डॉक्टर मुफी ने कवि कुमार आजाद वेंटिलेटर पर रखा था। इस सर्जरी के द्वारा कवि कुमार आजाद ने 265 किलो से अपना वजन 140 कर लिया था। डॉक्टर मुफी ने ये सर्जरी फ्री में की थी। वहीं रूम और ऑपरेशन थिएटर का जो चार्ज था वो सलमान ने भरा था। सलमान वैसे भी अपनी दरिया दिल्ली के लिए जाने जाते हैं। सलमान ने हाथी भाई का सारा खर्चा उठाकर फिर साबित किया कि वे मदद करने में सबसे आगे हैं। कुछ दिन पहले भी कवि कुमार ने सलमान से मुलाकात की थी। खैर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं।